जल ही जीवन का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर को प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के वजन का 65% भाग जल द्वारा संगठित है। यदि इसमें 2% भी जल की मात्रा कम हो तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, परंतु जब ये पानी नदी कुओं और जलाशयों में एकत्रित होता है तो इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां घुलकर जल को प्रदूषित कर देती हैं, जो पीने लायक नहीं रहता। पानी शुद्ध करने के लिए समय समय पर विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पानी को उबालना, कपड़े द्वारा छानना, हाउसहोल्ड क्लोरिनेशन, फ्लॉक्यूलिन डिसइंफेक्टेंट पाउडर्स, सिरेमिक फिल्ट्रेशन, बायोसैंड फिल्ट्रेशन। क्या वास्तव में इनमें से कोई विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण सुरक्षित है? नहीं। जल प्रदूषण द्वारा होने वाली हानियों को अभी तक नहीं रोका जा सका है। यहां तक कि पानी के ग्लास अथवा बर्तन में भी बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे शुद्ध पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यही बीमारी का कारण भी बन जाता है। वर्ल्ड बैंक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 4.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष दूषित पानी पीने के कारण अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। 21% फैलने वाली बीमारियों का सीधा संबंध प्रदूषित पानी से है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सन 2012 में 3,883 लोगों की मृत्यु दूषित पानी पीने के कारण अथवा इससे होने वाली बीमारियों से हुई। प्रति वर्ष डायरिया से 15 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पानी शुद्धिकरण द्वारा विश्व स्तर पर 9.1% आर्थिक भार कम किया जा सकता है। 6.3% तक घातक बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आधुनिक शुद्धिकरण, क्या ये सुरक्षित है? क्या इसके अन्य दुष्परिणाम हैं? जवाब है हाँ। जब क्लोरिनेशन द्वारा पानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है तब ऐसे तत्व छूट जाते हैं जो शरीर में लीवर और किडनी के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। पैक की गई बोतलों का पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, कारण कि उस पानी में पीएच एसिडिक पाया गया है। इसका कोई उपाय है? इसका उपाय आयुर्वेद के पास है। सस्ता और कारगर उपाय, तुलसी। जी हाँ, तुलसी एक चिरनूतन वरदान और आयुर्वेदिक धरोहर। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वं अर्चितासि मुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये। आयुर्वेद में हजारों साल पहले तुलसी के अमूल्य औषधीय गुणधर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कई युगों से अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में तुलसी का प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी विशेषताएं अनगिनत हैं। तुलसी न केवल जल को शुद्ध करती है बल्कि वायु का भी शुद्धिकरण करती है। आधुनिक प्रमाणों के आधार पर तुलसी का विश्व स्तर पर परीक्षण किया गया है। खोज करने पर 5 प्रकार की तुलसी कारगर पाई गई हैं, जिन्हें पंच तुलसी कहा गया है। तुलसी किस प्रकार जल का शुद्धिकरण करती है? यूनाइटेड किंगडम में क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान पाया गया कि विभिन्न प्रजाति की तुलसी पत्तियों से निकाले गए सत्व में बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे अशुद्ध पानी को भी शुद्ध किया जा सकता है। 14 दिनों तक इस पानी में फफूंद अथवा बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। संपूर्ण धरती पर तुलसी की अनेक प्रजातियां हैं। इनमें से 5 प्रकार की तुलसियों में विशेष औषधि गुण पाए गए हैं, जैसे कि सामान्य तुलसी यानी ऑसिमम सैंक्टम रोगों से लड़ने में शारीरिक क्षमता का विकास करती है। ये सर्दी बुखार कफ और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। राम तुलसी यानी ऑसिमम ग्रेटिसिमम वायरल बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। श्वेत तुलसी यानी ऑसिमम कैनम और वन तुलसी यानी ऑसिमम बेसिलिकम
ये दोनों अनेक प्रकार के तनावों को दूर करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती हैं। नींबू तुलसी यानी ऑसमम सिट्रियोडोरम वायरल बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। इन सभी तुलसियों के गुणों को ध्यान में रखते हुए डेल्टास फार्मा कंपनी ने इस विषय में गहन अनुसंधान किया और 5 साल के कठिन अनुसंधान के बाद पांचों प्रजातियों की तुलसी के सत्व यानी अर्क से पंच तुलसी ड्रॉप्स के फॉर्मूले को विकसित किया, जो पानी की तमाम अशुद्धियों को दूर करने में सबसे उपयुक्त, स्फूर्तिदायक तथा सबसे कम खर्चीला उपाय पाया गया है। पंच तुलसी ड्रॉप्स के निर्माण के दौरान हम एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल MIC स्टडी प्रोटोकॉल में पंच तुलसी ड्रॉप्स की हर बूंद में सूक्ष्म बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। अन्य परीक्षणों द्वारा पाया गया कि पंच तुलसी ड्रॉप्स की केवल एक बूंद 200 ml पानी में डालने से बैक्टीरिया नष्ट हो गए, जिनके कारण सांस संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियां और फंगल इन्फेक्शन पर असरदार रोकथाम हुई, अर्थात पानी को साफ करने में पंच तुलसी ड्रॉप्स कारगर सिद्ध हुई। इतना ही नहीं बल्कि पंच तुलसी ड्रॉप्स पैक्लीटेक्सल और डेक्सामेथाजोन से बेहतर इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है। पंच तुलसी ड्रॉप्स पर शोध करते समय पाया गया कि बुखार, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन में ये शरीर के तापमान को नियंत्रित और कम करती है, लंबी बीमारियों में इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखती है, परिणाम स्वरूप शरीर की बीमारी से लड़ने में क्षमता का विकास होता है। पंच तुलसी ड्रॉप्स के नियमित उपयोग से TB यानी क्षय रोग जैसी घातक बीमारी की रोकथाम में सहायता मिलती है। इस प्रकार की बीमारियों से शीघ्र ही छुटकारा पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे केवल जल शुद्धिकरण ही नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर के आसपास हर समय करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति इन जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। देखने में आया है कि सामान्य परिस्थितियों में भी कुछ लोग अक्सर जल्दी बीमार हो जाते हैं, पर कुछ व्यक्तियों में अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति होने के कारण वो अधिक समय तक बीमार नहीं होते, कारण कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कई चीजों पर निर्भर है, जैसे कि हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली। शरीर को स्वस्थ अथवा रोग मुक्त बनाने के लिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का उत्तम होना नितांत आवश्यक है। पंच तुलसी ड्रॉप्स के नियमित सेवन से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। आइए देखते हैं कैसे। रोग प्रतिकारक शक्ति का काम तब शुरू होता है जब शरीर में रोग जनित विषाणु का संक्रमण होता है। ये रोग जनित विषाणु शरीर में बड़ी शीघ्रता से बढ़ते जाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करते जाते हैं। सामान्य अवस्था में हमारी सुरक्षा करने वाली कोशिकाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ती हैं और शरीर में मौजूद अन्य सुरक्षा करने वाली कोशिकाओं को भी उत्तेजित करती हैं। ये सब मिलकर रोग जनित विषाणुओं की रोकथाम तथा उन्हें पूर्णतः नष्ट करने में हमारी मदद करती हैं। तुलसी सुरक्षा कोशिकाओं की शक्ति को बढ़ाकर उन्हें उत्तेजित कर रोग जनित विषाणुओं के उत्पाद को कम करती है। इसी के साथ तुलसी शरीर में रोग जन्य विषाणुओं से हुई हानि को भरने में और अनुकूल रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। हमारी आज की जीवन शैली स्वास्थ्य की तरफ अनदेखा करती है और खान पान की तरफ भी ध्यान नहीं देती। इसी कारण हम स्वास्थ्य संबंधी रोगों की चपेट में आ जाते हैं। अब जरूरत है ऐसे ही एक रक्षक की, जिसका इस्तेमाल हम हर दिन कर सकें और जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो। एक ऐसा उपाय जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी रोशन जिंदगी में कारगर सिद्ध हो। डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स है हमारा एक रक्षक, जो खान पान, आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसी संदर्भ में हमने लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि पंच तुलसी ड्रॉप्स के उपयोग से कई दिनों से सर्दी जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित रुग्णों को पंच तुलसी ड्रॉप्स देने के बाद उनकी बीमारी की अवधि कम हो गई
और ये इस बीमारी की रोकथाम में काफी असरकारक भी साबित हुई। डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम तुलसी की सभी प्रजातियों का उत्पादन उत्तर भारत में करते हैं। गहन अनुसंधान के बाद हमने ये पाया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में एक विशेष भूमि पर उगाई गई तुलसी में कारगर तत्व सबसे ज्यादा पाए गए हैं। इस तरह हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स बनाने के लिए हर बार एक ही जगह से तुलसी प्राप्त की जाए। इससे हमारे उत्पाद की हर बैच की क्वालिटी मेंटेन रहे। वैक्यूम डिस्टिलेशन प्लांट में डालकर सत्व या अर्क निकाला जाता है, जिसे प्रोसेस करने के बाद बोतलों में शुद्धता से पैक कर दिया जाता है। इसका निर्माण डेल्टास फार्मा की GAP और GMP प्रमाणित आधुनिक फैक्ट्री में किया जाता है। अब जानेंगे पंच तुलसी ड्रॉप्स की सेवन मात्रा और उपयोग की विधि। पंच तुलसी ड्रॉप्स की बूंदे पीने के पानी की सतह से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर से डालते हैं तो वो माइक्रोग्लोब्यूल्स में तब्दील होकर पानी में समान रूप से घुल जाती हैं। इस तरह से आपके पीने के पानी या अन्य किसी पेय पदार्थ के हर घूंट में आपको समान रूप से पंच तुलसी ड्रॉप्स मिलती हैं। इस तुलसी सत्व को गर्म पानी, चाय, शहद या हर्बल चाय में 2 से 4 बूंद प्रतिदिन डालकर 15 से 20 बूंद तक सेवन किया जा सकता है। इसकी मात्र एक ही बूंद प्रफुल्लित करने वाली सुहानी खुशबू पैदा कर देती है और स्वास्थ्य बनाए रखती है, जिससे काफी आराम मिलता है। आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स एक रक्षक के रूप में बच्चों से लेकर वृद्ध तक को पानी से होने वाले कई सारे रोगों से रक्षा करती है। डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स को हम अपनी दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीने योग्य पानी के शुद्धिकरण के लिए पंच तुलसी ड्रॉप्स का उपयोग सुरक्षित, पौराणिक और प्रमाणित है। आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है, जीवन जीने की एक वैज्ञानिक शैली। इस प्राचीन शास्त्र की उपयोगिता को मानव कल्याणार्थ विश्व भर में फैलाने के हेतु डेल्टास फार्मा की स्थापना हुई। डेल्टास फार्मा डेल्टास ग्रुप की एक शाखा है, जिसे पद्मावती ग्रुप ऑफ कंपनीज भी कहा जाता है। इसके अलावा डेल्टास ग्रुप के अंतर्गत निर्यात हेतु डेल्टास फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन और रियल एस्टेट भी कार्यरत है। डेल्टास ग्रुप की स्थापना श्री बाबूलाल जी जैन ने सन 2007 में की थी। ये उत्पाद अलग अलग डिवीजन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ, हर्बल एक्सट्रैक्ट युक्त पेटेंट एंड प्रोपराइटरी दवाइयाँ, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। आज डेल्टास फार्मा कई थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में प्रगति की ओर अग्रसर है, जैसे कि ऑर्थोपीडिक्स, गायनेकोलॉजी, लीवर के विकार, त्वचा रोग, मानसिक तनाव आदि। हमारी ब्रांड आज की आधुनिक जीवन शैली के कारण बढ़े हुए रोगों पर भी दवाइयां निर्माण करती है, जैसे कि डायबिटीज, स्थूलता, सोराइसिस इत्यादि। डेल्टास फार्मा के उत्पादनों का निर्माण हरिद्वार में स्थित भव्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जाता है। ये यूनिट WHO GMP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 और HACCP से सर्टिफाइड है। दवाइयों के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान CGMP नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। डेल्टास फार्मा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में उच्च शिक्षित और तजुर्बेकार वैज्ञानिक कार्यरत हैं। यहाँ हम आयुष गाइडलाइंस का अनुसरण करते हैं और शेड्यूल Y1 के अनुसार परीक्षण करते हैं। दवाइयों का प्री क्लिनिकल अध्ययन POC के अनुसार गाइडलाइंस का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उच्च कोटि के हर्बल उत्पादों का निर्माण अलग अलग फॉर्म्स में करते हैं, जैसे कैप्सूल, टैबलेट्स, सॉफ्ट च्यूज, लिक्विड्स, पाउडर, कैंडीज, ऑयल, ऑयल बेस्ड स्प्रे, पेन बाम आदि बनाते हैं। इस प्रकार हमने हर्बल उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, जहां से अब कई किस्म के उत्पाद सफलतापूर्वक बाजार में आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के तौर पर हम अपनी फैक्ट्री में 200 प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं।
मानव एवं पशु पक्षी के स्वास्थ्य संरक्षण में हमारे ग्लोबल एसोसिएट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, ब्राजील, नेपाल, तांजानिया, ताइवान, फिजी आदि तक फैले हुए हैं। मानव कल्याण को नई दिशा दिखाने का दृष्टिकोण रखने के लिए डेल्टास फार्मा के चेयरमैन श्री बाबूलाल जैन जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत उद्योग रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता सम्मान, कोहिनूर ऑफ इंडिया अवार्ड, राजीव गांधी शिरोमणि पुरस्कार इत्यादि। मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहे और रोगियों की प्राकृतिक औषधियों द्वारा चिकित्सा हो, इसी आयुर्वेद के मूल मंत्र को डेल्टास फार्मा ने अपनाया है। साथ ही साथ नए नए प्रकार के शोधों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा निमित्त निरंतर कार्य चलता रहे, यही डेल्टास फार्मा का ध्येय है। हम लोक हित में अमूल्य मानव जीवन को निरोगी और स्वस्थ रखना चाहते हैं। अस्तु, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इति शुभम्। जल ही जीवन का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर को प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के वजन का 65% भाग जल द्वारा संगठित है। यदि इसमें 2% भी जल की मात्रा कम हो तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, परंतु जब ये पानी नदी, कुओं और जलाशयों में एकत्रित होता है तो इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां घुलकर जल को प्रदूषित कर देती हैं, जो पीने लायक नहीं रहता। पानी शुद्ध करने के लिए समय समय पर विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पानी को उबालना, कपड़े द्वारा छानना, हाउसहोल्ड क्लोरिनेशन, फ्लॉक्यूलिन डिसइंफेक्टेंट पाउडर्स, सिरेमिक फिल्ट्रेशन, बायोसैंड फिल्ट्रेशन। क्या वास्तव में इनमें से कोई विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण सुरक्षित है? नहीं। जल प्रदूषण द्वारा होने वाली हानियों को अभी तक नहीं रोका जा सका है। यहां तक कि पानी के ग्लास अथवा बर्तन में भी बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे शुद्ध पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यही बीमारी का कारण भी बन जाता है। वर्ल्ड बैंक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 4.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष दूषित पानी पीने के कारण अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। 21% फैलने वाली बीमारियों का सीधा संबंध प्रदूषित पानी से है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सन 2012 में 3883 लोगों की मृत्यु दूषित पानी पीने के कारण अथवा इससे होने वाली बीमारियों से हुई। प्रति वर्ष डायरिया से 15 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पानी शुद्धिकरण द्वारा विश्व स्तर पर 9.1% आर्थिक भार कम किया जा सकता है। 6.3% तक घातक बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आधुनिक शुद्धिकरण, क्या ये सुरक्षित है? क्या इसके अन्य दुष्परिणाम हैं? जवाब है हाँ। जब क्लोरिनेशन द्वारा पानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है तब ऐसे तत्व छूट जाते हैं जो शरीर में लीवर और किडनी के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। पैक की गई बोतलों का पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, कारण कि उस पानी में पीएच एसिडिक पाया गया है। इसका कोई उपाय है? इसका उपाय आयुर्वेद के पास है। सस्ता और कारगर उपाय, तुलसी। जी हाँ, तुलसी एक चिरनूतन वरदान और आयुर्वेदिक धरोहर। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरः, नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये। आयुर्वेद में हजारों साल पहले तुलसी के अमूल्य औषधीय गुणधर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कई युगों से अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में तुलसी का प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी विशेषताएं
अनगिनत हैं। तुलसी न केवल जल को शुद्ध करती है बल्कि वायु का भी शुद्धिकरण करती है। आधुनिक प्रमाणों के आधार पर तुलसी का विश्व स्तर पर परीक्षण किया गया है। खोज करने पर 5 प्रकार की तुलसी कारगर पाई गई हैं, जिन्हें पंच तुलसी कहा गया है। तुलसी किस प्रकार जल का शुद्धिकरण करती है? यूनाइटेड किंगडम में क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान पाया गया कि विभिन्न प्रजाति की तुलसी पत्तियों से निकाले गए सत्व में बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे अशुद्ध पानी को भी शुद्ध किया जा सकता है। 14 दिनों तक इस पानी में फफूंद अथवा बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। संपूर्ण धरती पर तुलसी की अनेक प्रजातियां हैं। इनमें से 5 प्रकार की तुलसियों में विशेष औषधि गुण पाए गए हैं, जैसे कि सामान्य तुलसी यानी ऑसमम सैंक्टम रोगों से लड़ने में शारीरिक क्षमता का विकास करती है। ये सर्दी, बुखार, कफ और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। राम तुलसी यानी ऑसमम ग्रेटिसिमम वायरल बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। श्वेत तुलसी यानी ऑसमम कैनम और वन तुलसी यानी ऑसमम बेसिलिकम ये दोनों अनेक प्रकार के तनावों को दूर करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती हैं। नींबू तुलसी यानी ऑसमम सिट्रियोडोरम वायरल बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। इन सभी तुलसियों के गुणों को ध्यान में रखते हुए डेल्टास फार्मा कंपनी ने इस विषय में गहन अनुसंधान किया और 5 साल के कठिन अनुसंधान के बाद 5 प्रजातियों की तुलसी के सत्व यानी अर्क से पंच तुलसी ड्रॉप्स के फॉर्मूले को विकसित किया, जो पानी की तमाम अशुद्धियों को दूर करने में सबसे उपयुक्त, स्फूर्तिदायक तथा सबसे कम खर्चीला उपाय पाया गया है। पंच तुलसी ड्रॉप्स के निर्माण के दौरान हम एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल MIC स्टडी प्रोटोकॉल में पंच तुलसी ड्रॉप्स की हर बूंद में सूक्ष्म बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। अन्य परीक्षणों द्वारा पाया गया कि पंच तुलसी ड्रॉप्स की केवल एक बूंद 200 ml पानी में डालने से बैक्टीरिया नष्ट हो गए, जिनके कारण सांस संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियां और फंगल इन्फेक्शन पर असरदार रोकथाम हुई। अर्थात पानी को साफ करने में पंच तुलसी ड्रॉप्स कारगर सिद्ध हुई। इतना ही नहीं बल्कि पंच तुलसी ड्रॉप्स पैक्लीटेक्सल और डेक्सामेथाजोन से बेहतर इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है। पंच तुलसी ड्रॉप्स पर शोध करते समय पाया गया कि बुखार, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन में ये शरीर के तापमान को नियंत्रित और कम करती है। लंबी बीमारियों में इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप शरीर की बीमारी से लड़ने में क्षमता का विकास होता है। पंच तुलसी ड्रॉप्स के नियमित उपयोग से TB यानी क्षय रोग जैसी घातक बीमारी की रोकथाम में सहायता मिलती है। इस प्रकार की बीमारियों से शीघ्र ही छुटकारा पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे केवल जल शुद्धिकरण ही नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर के आसपास हर समय करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति इन जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। देखने में आया है कि सामान्य परिस्थितियों में भी कुछ लोग अक्सर जल्दी बीमार हो जाते हैं, पर कुछ व्यक्तियों में अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति होने के कारण वो अधिक समय तक बीमार नहीं होते। कारण कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कई चीजों पर निर्भर है, जैसे कि हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली। शरीर को स्वस्थ अथवा रोग मुक्त बनाने के लिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का उत्तम होना नितांत आवश्यक है। पंच तुलसी ड्रॉप्स के नियमित सेवन से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। आइए देखते हैं कैसे। रोग प्रतिकारक शक्ति का काम तब शुरू होता है जब शरीर में रोग जनित विषाणु का संक्रमण होता है। ये रोग जनित विषाणु शरीर में बड़ी शीघ्रता से बढ़ते जाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करते जाते हैं। सामान्य अवस्था में हमारी सुरक्षा करने वाली कोशिकाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ती हैं और शरीर में मौजूद अन्य सुरक्षा करने वाली कोशिकाओं को भी उत्तेजित करती हैं। ये सब मिलकर रोग जनित विषाणुओं की रोकथाम तथा उन्हें पूर्णतः नष्ट करने में हमारी मदद करती हैं। तुलसी
सुरक्षा कोशिकाओं की शक्ति को बढ़ाकर उन्हें उत्तेजित कर रोग जनित विषाणुओं के उत्पाद को कम करती है। इसी के साथ तुलसी शरीर में रोग जन्य विषाणुओं से हुई हानि को भरने में और अनुकूल रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। हमारी आज की जीवन शैली स्वास्थ्य की तरफ अनदेखा करती है और खान पान की तरफ भी ध्यान नहीं देती। इसी कारण हम स्वास्थ्य संबंधी रोगों की चपेट में आ जाते हैं। अब जरूरत है ऐसे ही एक रक्षक की, जिसका इस्तेमाल हम हर दिन कर सकें और जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो। एक ऐसा उपाय जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी रोशन जिंदगी में कारगर सिद्ध हो। डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स है हमारा एक रक्षक, जो खान पान आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसी संदर्भ में हमने लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि पंच तुलसी ड्रॉप्स के उपयोग से कई दिनों से सर्दी जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित रुग्णों को पंच तुलसी ड्रॉप्स देने के बाद उनकी बीमारी की अवधि कम हो गई और ये इस बीमारी की रोकथाम में काफी असरकारक भी साबित हुई। डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम तुलसी की सभी प्रजातियों का उत्पादन उत्तर भारत में करते हैं। गहन अनुसंधान के बाद हमने ये पाया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में एक विशेष भूमि पर उगाई गई तुलसी में कारगर तत्व सबसे ज्यादा पाए गए हैं। इस तरह हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स बनाने के लिए हर बार एक ही जगह से तुलसी प्राप्त की जाए। इससे हमारे उत्पाद की हर बैच की क्वालिटी मेंटेन रहे। वैक्यूम डिस्टिलेशन प्लांट में डालकर सत्व या अर्क निकाला जाता है, जिसे प्रोसेस करने के बाद बोतलों में शुद्धता से पैक कर दिया जाता है। इसका निर्माण डेल्टास फार्मा की GAP और GMP प्रमाणित आधुनिक फैक्ट्री में किया जाता है। अब जानेंगे पंच तुलसी ड्रॉप्स की सेवन मात्रा और उपयोग की विधि। पंच तुलसी ड्रॉप्स की बूंदे पीने के पानी की सतह से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर से डालते हैं तो वो माइक्रोग्लोब्यूल्स में तब्दील होकर पानी में समान रूप से घुल जाती हैं। इस तरह से आपके पीने के पानी या अन्य किसी पेय पदार्थ के हर घूंट में आपको समान रूप से पंच तुलसी ड्रॉप्स मिलती हैं। इस तुलसी सत्व को गर्म पानी, चाय, शहद या हर्बल चाय में 2 से 4 बूंद प्रतिदिन डालकर 15 से 20 बूंद तक सेवन किया जा सकता है। इसकी मात्र एक ही बूंद प्रफुल्लित करने वाली सुहानी खुशबू पैदा कर देती है और स्वास्थ्य बनाए रखती है, जिससे काफी आराम मिलता है। आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स एक रक्षक के रूप में बच्चों से लेकर वृद्ध तक को पानी से होने वाले कई सारे रोगों से रक्षा करती है। डेल्टास पंच तुलसी ड्रॉप्स को हम अपनी दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीने योग्य पानी के शुद्धिकरण के लिए पंच तुलसी ड्रॉप्स का उपयोग सुरक्षित, पौराणिक और प्रमाणित है। आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है, जीवन जीने की एक वैज्ञानिक शैली। इस प्राचीन शास्त्र की उपयोगिता को मानव कल्याणार्थ विश्व भर में फैलाने के हेतु डेल्टास फार्मा की स्थापना हुई। डेल्टास फार्मा डेल्टास ग्रुप की एक शाखा है, जिसे पद्मावती ग्रुप ऑफ कंपनीज भी कहा जाता है। इसके अलावा डेल्टास ग्रुप के अंतर्गत निर्यात हेतु डेल्टास फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन और रियल एस्टेट भी कार्यरत है। डेल्टास ग्रुप की स्थापना श्री बाबूलाल जी जैन ने सन 2007 में की थी। ये उत्पाद अलग अलग डिवीजन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ, हर्बल एक्सट्रैक्ट युक्त पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी दवाइयाँ, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। आज डेल्टास फार्मा कई थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में प्रगति की ओर अग्रसर है, जैसे कि ऑर्थोपीडिक्स, गायनेकोलॉजी, लीवर के विकार, त्वचा रोग, मानसिक तनाव आदि। हमारी ब्रांड आज की आधुनिक जीवन शैली के कारण बढ़े हुए रोगों पर भी दवाइयां निर्माण करती है, जैसे कि डायबिटीज, स्थूलता, सोराइसिस इत्यादि। डेल्टास फार्मा के उत्पादनों का निर्माण हरिद्वार में स्थित भव्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जाता है।
ये यूनिट WHO GMP ISO 9001 2008 ISO 22000 2005 और HACCP से सर्टिफाइड है। दवाइयों के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सीजीएमपी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। डेल्टास फार्मा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में उच्च शिक्षित और तजुर्बेकार वैज्ञानिक कार्यरत हैं। यहाँ हम आयुष गाइडलाइंस का अनुसरण करते हैं और शेड्यूल Y1 के अनुसार परीक्षण करते हैं। दवाइयों का प्री क्लिनिकल अध्ययन POC के अनुसार गाइडलाइंस का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उच्च कोटि के हर्बल उत्पादों का निर्माण अलग अलग फॉर्म्स में करते हैं, जैसे कैप्सूल, टैबलेट्स, सॉफ्ट च्यूज, लिक्विड्स, पाउडर, कैंडीज, ऑयल, ऑयल बेस्ड स्प्रे, पेन बाम आदि बनाते हैं। इस प्रकार हमने हर्बल उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, जहां से अब कई किस्म के उत्पाद सफलतापूर्वक बाजार में आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के तौर पर हम अपनी फैक्ट्री में 200 प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं। मानव एवं पशु पक्षी के स्वास्थ्य संरक्षण में हमारे ग्लोबल एसोसिएट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, ब्राजील, नेपाल, तांजानिया, ताइवान, फिजी आदि तक फैले हुए हैं। मानव कल्याण को नई दिशा दिखाने का दृष्टिकोण रखने के लिए डेल्टास फार्मा के चेयरमैन श्री बाबूलाल जैन जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत उद्योग रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता सम्मान, कोहिनूर ऑफ इंडिया अवार्ड, राजीव गांधी शिरोमणि पुरस्कार इत्यादि। मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहे और रोगियों की प्राकृतिक औषधियों द्वारा चिकित्सा हो, इसी आयुर्वेद के मूल मंत्र को डेल्टास फार्मा ने अपनाया है। साथ ही साथ नए नए प्रकार के शोधों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा निमित्त निरंतर कार्य चलता रहे, यही डेल्टास फार्मा का ध्येय है। हम लोक हित में अमूल्य मानव जीवन को निरोगी और स्वस्थ रखना चाहते हैं। अस्तु, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इति शुभम्।